आज हम ई बेस फ्लूट के साथ में है। ये दो ई बेस है यहाँ पे, एक है 30 इंच में, एक है 33.5 इंच में, 33.5 इंच में। ये दो फ्लूट में क्या डिफरेंस रहता है हम देखेंगे। इसमें देखो नीचे एक एक्स्ट्रा होल रहता है गंदार का, ये तीव्र मध्यम और ये गंदार। वैसे ही इस फ्लूट में भी रहता है, लेकिन एक एक ही होल रहता है तीव्र मध्यम का। इसमें देखेंगे अपन कि इसमें क्या डिफरेंस रहता है और ये डिफरेंस कैसे भी यूज करते हैं उसे, वो भी देखेंगे। पहले मैं आपको ये फ्लूट में सिंपली सारे का मैं पदर सब बजा के बताऊंगा, और ये कैसे बजता है और इसमें कैसे, ये फ्लूट में कैसे बजता है मैं आपको दोनों को बताऊंगा। मैं अभी प्ले कर रहा हूँ। ये देखो इसमें जो बजा है वो प जो बजा है वो स्टेप से थोड़ा ऊपर बजा है। देखो ये थोड़ा ऐसा, ये देखो कैसा सा रे ग म स्टेप बाय स्टेप ऐसा ऊपर ऊपर जाता है, लेकिन प में जाता है तो वो स्टेप मेंटेन रहता है। इसमें इक्वल डिस्टेंस रहता है ऐसे, कान को समझ में आता है, लेकिन जब प पे पास जाते हैं तो ऊपर लगता है। देखो अभी देखो ये जो फ्लूट है नीचे वाला गंदार है इसमें, तो ये फ्लूट में अपन देखेंगे। ये देखो ये फ्लूट में, ये फ्लूट में भी अपन सेम यूज करेंगे, बजाएंगे, इसमें आपको डिफरेंस समझ आएगा। इसमें देखो इसमें प बराबर स्टेप में लगता है, सा रे ग म में जितना स्टेप है सा रे ग म प, ये जो स्टेप है ये स्टेप इसमें करेक्टली बताता है। ये देखो और ये जो है ऑर्डिनरी फ्लूट इसमें नहीं बताता है, इसमें थोड़ा ऐसा लगता है ऊपर गया। ठीक है, ये जो डिफरेंस रहता है ये फ्लूट में और ये फ्लूट में। और जैसे हम गाते हैं संगीत में, क्लासिकल संगीत में, तो हम नॉर्मली जैसे गाते हैं वैसा ही इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। और सरगम का सारे गम पद निसा जो हम बजाते हैं बेसिकली स्वर, वो सब उसका नेचुरली प्रोड्यूस होता है। इसी कारण इसमें एक एक्स्ट्रा होल रहता है, और एक्स्ट्रा होल होने की वजह से आप तीव्र गंधार भी बजा सकते हैं, सॉरी गंधार भी बजा सकते हैं और तीव्र मध्यम भी बजा सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा होल आता है, और ये फ्लूट 33.5 इंच में आता है। ये जो फ्लूट है ये फ्लूट स्पेशल हीट ट्रीटेड है, इसे हीट ट्रीटेड किया गया है, इसीलिए ये थोड़ा चॉकलेट कलर में दिखाई दे रहा है। देखो थोड़ा चॉकलेट कलर में दिखाई दे रहा है, इससे क्या होता है बाम्बू की प्रॉपर्टी इनहांस हो जाती है, बाम्बू का क्वालिटी इनहांस हो जाती है, इसके लिए ये हीट ट्रीटेड बाम्बू है। और ये जो है ये रेगुलर है। एक बार फिर से बजा के बताता हूँ। आपको मैंने इस दोनों फ्लूट का इंफॉर्मेशन दिया है, ई बेस का, एक है 30 इंच वाला, एक है 33 इंच वाला। इसमें का मैंने आपको क्या फ़ायदा है ये भी बता दिया है, इसमें और इसमें क्या ओवरकम होता है ये भी मैंने आपको बता दिया।